हेलो फ्रेंड्स, मैं मनीष अग्रवाल आज आपको जूम ऐप पर स्क्रीन शेयर करने के बारे में बताऊंगा कि जूम ऐप पर आप किस तरीके से स्क्रीन को शेयर कर सकते हैं, डॉक्यूमेंट शेयर कर सकते हैं एंड फोटो वगैरह शेयर कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको पहले मीटिंग को कनेक्ट करना होगा, मीटिंग आईडी और पासवर्ड डाल के मीटिंग को कनेक्ट करना होगा। फिर इसके बाद जो थर्ड नंबर पर शेयर का ऑप्शन जो दिया हुआ है, इस पर आप क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपको एक इस तरह का इंटरफेस मिलेगा। तो इस इंटरफेस में आप देखेंगे आपको अलग अलग ऑप्शन दिए हुए हैं। जैसे सबसे पहला ऑप्शन दिया हुआ है माइक्रोसॉफ्ट वन ड्राइव। अगर आपके पास माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस या माइक्रोसॉफ्ट वन ड्राइव पर अकाउंट है और आपने वहाँ पे अपना कोई डाटा या फाइल वगैरह को सेव किया हुआ है, तो आप यहाँ से माइक्रोसॉफ्ट वन अकाउंट को आप शेयर कर सकते हैं। इसके बाद सेकेंड नंबर पर गूगल ड्राइव का ऑप्शन दिया हुआ है। अगर आपने डाटा को गूगल ड्राइव में सेव किया हुआ है और आप उसको स्टूडेंट या अपने कलीग के साथ शेयर करना चाहते हैं, तो आपको गूगल ड्राइव पर जाकर शेयर कर सकते हैं। थर्ड नंबर बॉक्स का दिया हुआ है। तो जैसे बॉक्स में आपने कोई डाटा प्लेस किया हुआ है, फोटोज़ वगैरह जो भी है, आपने जो भी डाटा है शेयर करना है, वो आपने डाटा अगर बॉक्स में प्लेस किया हुआ है तो उसको आप शेयर कर सकते हैं। एंड फोर्थ नंबर पर आप जाएंगे तो आपको यहाँ पर फोटो शेयरिंग के लिए ऑप्शन मिलेगा। तो जैसे ही आप फोटो शेयरिंग के लिए क्लिक करते हैं तो आपको बाद में अलग से फोटोज़ ऑप्शन मिलेंगे, जिसमें कि आप फाइल्स है ब्राउज़ कर सकते हैं, ड्राइव है, फ़ोटोज़ का ऑप्शन दिया हुआ है, तो गैलरी है, यानी आपने फ़ोटो अपनी फाइल्स जिसमें भी फ़ोटो फाइल सेव किए हुए हैं तो आप जाके वहाँ से एक्सेस कर सकते हैं। जैसे अगर आपने गैलरी में अपना डाटा शेयर किया हुआ है, सेव किया हुआ है, तो आप गैलरी में सेव फ़ोटो को शेयर कर सकते हैं। बस जस्ट आपको क्लिक करना होगा। इस तरीके से आपका जो फ़ोटो है वो आपके कलीग के साथ, स्टूडेंट के साथ या जिस भी फ्रेंड है, जो भी फ्रेंड है आपका, उसके साथ आसानी से शेयर हो जाएगा। इसके बाद आप स्टॉप शेयर पर जाके उसको स्टॉप कर देंगे। इसके बाद फ़ोटोज़ में आप अगर फाइल्स है या फाइल मैनेजर में अपने डाटा हुआ या फ़ोटोज़ में अपने इमेजेस डाले हुए हैं, तो वहाँ से आप शेयर कर सकते हैं। जैसे फाइल मैनेजर पर जाकर भी आप जिसमें भी आपने इसमें फ़ोटोज़ आपके सेव हैं तो वहाँ से आप शेयर कर सकते हैं। नेक्स्ट, इसमें आप डॉक्यूमेंट शेयर करना चाहते हैं तो डॉक्यूमेंट के लिए आपको फिफ्थ नंबर पर दिए हुए ऑप्शन डॉक्यूमेंट पर क्लिक करना होगा। इसके बाद डिवाइस स्टोरेज में आप जाएंगे तो डिवाइस स्टोरेज में जाके अपने जो भी डाटा है, जैसे डाउनलोड्स में शेयर सेव किया हुआ है, जैसे डाउनलोड्स में आप जाएं तो यहाँ पे आपके पास पीडीएफ है, सारा डाटा पीडीएफ के फॉर्म में दिया हुआ है, तो जिस भी फॉर्म में आपका डाटा है उसको आप आसानी से शेयर कर सकते हैं। जैसे मैं शेयर करने के लिए मैंने एक फाइल सेलेक्ट की है और इसको मैं अगर क्लिक करता हूँ जस्ट, तो आपकी फ़ाइल शेयर होना स्टार्ट हो जाएगा। और आप इसको जस्ट लेफ्ट एंड राइट स्क्रॉल करके अपने स्टूडेंट कलीग्स को दिखा सकते हैं, फाइल्स को दिखा सकते हैं। ठीक है, इस शेयरिंग को स्टॉप करने के लिए आपको स्टॉप शेयर पर जाना होगा। स्टॉप शेयर पर जाकर आप यहां से शेयरिंग स्टॉप कर सकते हैं। इसके बाद वेब यूआरएल का ऑप्शन आता है, आप यहां पे कोई भी अपना यूआरएल है उसको डाल के शेयर कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन जो मिलता है आपको बुकमार्क का मिलता है। अगर आपने कोई बुकमार्क सेव किया हुआ, जैसे मैंने यहाँ पे BTUP एक बुकमार्क सेव किया हुआ है, तो BTUP बुकमार्क को आप शेयर कर सकते हैं, या जो भी आप बुकमार्क शेयर करना चाहते हैं उस बुकमार्क को आप शेयर कर सकते हैं। इसके बाद शेयर स्क्रीन का ऑप्शन आता है। ठीक है, शेयर स्क्रीन का ऑप्शन आता है, आप शेयर स्क्रीन पे जाके आप जो भी स्क्रीन, आप जैसे अपनी स्क्रीन है, आपकी मोबाइल स्क्रीन है, आप जो भी चीज़ें ओपन करेंगे तो वो चीज़ें सभी सामने जो भी आपके कलीग हैं या स्टूडेंट हैं उनको सबको दिखाई देगी। इसके बाद लास्ट ऑप्शन जो इसमें आता है वो आता है वाइट बोर्ड का। तो वाइट बोर्ड पर अगर कुछ राइट करना है आपको तो वहाँ से आप इसको शेयर कर सकते हैं। तो इस तरीके से आपके लिए स्क्रीन शेयर करना बहुत ही बेनिफिशियल रहता है, जिसमें आप कोई भी ज़रूरी डॉक्यूमेंट है, कोई भी ज़रूरी डॉक्यूमेंट, फाइल, फ़ोटोज़ या जो भी चीज़ आप दिखाना चाहते हैं तो आप अपने स्टूडेंट या कलीग के साथ आसानी से शेयर कर सकते हैं। आप मुझे कमेंट करके बताइएगा आपको मेरा वीडियो कैसा लगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।